गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेलू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ के साइंस सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, मैटर इन सराउंडिंग्स। मैटर इन सराउंडिंग्स अर्थात हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले पदार्थ के बारे में बात करेंगे। यहां पर कल हमने मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, मैटर के अलग अलग प्रकार के पाए जाने वाले लक्षणों के बारे में स्टडी किया था, उनके अभिलाक्षणिक लक्षण क्या थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करना चाहेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अर्थात इस मैटर की या द्रव्य की या पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो हम पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। बच्चों हम बात करना चाहेंगे, मूलभूत रूप से इस पदार्थ को पांच अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। एक एक करके हम स्टडी करेंगे। उनमें से पहला हमारे पास आता है सॉलिड, दूसरा हमारे पास आता है लिक्विड, तीसरा हमारे पास आता है गैसेस, चौथा हमारे पास आता है प्लाज्मा एंड पांचवा हमारे पास आता है BEC, जिसे हम कहते हैं बोस, आइंस्टीन और कंडेंसेट। ये हमारी पांच व्यवस्था है। इससे पूर्व वाली क्लासेस में आपने ज्यादातर इन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया है, तो मेनली एक एक करके हम इनके लक्षणों के बारे में बात करते हैं कि क्या इनके मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ठोस। पदार्थ की ठोस अवस्था को ठोस ही क्यों कहा गया है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि इनके जो अवयव होते हैं उन अवयवों के अरेंजमेंट के आधार पर, उन अवयवों की व्यवस्था के आधार पर इन्हें क्या कहा गया है, ठोस कहा गया है। हम इस प्रकार से एक स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करते हैं। अब देखिए एक कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के भीतर अगर कोई कण है जो इस प्रकार से व्यवस्थित है, इन कणों की एक खासियत है कि इन कणों के बीच पाई जाने वाली दूरी क्या है, सबसे कम है। इनके बीच पाई जाने वाली दूरी कम है अर्थात ये कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो इनके बीच दूरी कम होने के कारण इनके बीच हम कह सकते हैं आकर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसका मतलब वो सारे भाग क्या है, सॉलिड है। हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड या जो ठोस अवस्था में पाए जाने वाले जो पदार्थ है, उन पदार्थों के कणों के बीच पाया जाने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा है। आकर्षण बल का मान ज्यादा होने के कारण इनके लक्षण अलग प्रकार के पाए जाते हैं। हम एक एक लक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले ये कठोर होते हैं, दूसरा हम ये कह सकते हैं दृढ़ होते हैं अर्थात आसानी से इनको तोड़ा नहीं जा सकता है, तीसरा हम कह सकते हैं कि इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, तो हम उसको दूसरे पॉइंट ले लेते हैं, आकार और इनका आयतन, आकार और आयतन दोनों क्या है, निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, इनका शेप एंड साइज फिक्स होता है। तीसरा हमारे पास आता है इनका रंग, अनेक प्रकार के
ठोस का रंग अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार के ठोस का रंग अलग अलग प्रकार का होता है, जो इस पर डिपेंड करता है कि यह ठोस किस प्रकार के अवयव से मिलकर बना हुआ है, अर्थात अवयव की प्रकृति के आधार पर इनका रंग निर्भर करता है। एक और आता है, इनमें अघात वर्धनीयता और तन्यता, या हम कह सकते हैं कि इनमें भंगुरता की प्रकृति, इनमें भंगुरता की प्रकृति कम पाई जाती है, भंगुरता कम होती है। अर्थात कुछ ठोस ऐसे हैं जिनको पीटने पर वह छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, उनमें भंगुरता होती है। देखा होगा इस चौक को अगर किसी हथौड़े से पीटा जाए तो पाउडर में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यदि किसी लोहे को पीटा जाए तो क्या वह भी टुकड़ों में बिखर जाएगा? नहीं। किसी अन्य धातु को ले लिया जाए तो वह भी इस तरह से बिखरते नहीं है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इनकी भंगुरता कम होती है। दूसरी बात, एक और प्रकृति की हम बात करते हैं कि इनमें विसरण का गुण, विसरण डिफ्यूजन का गुण क्या होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। आपने देखा होगा किसी भी ठोस को अगर हम किसी निश्चित स्थान पर काफी समय के लिए रख देंगे तो ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे वो डिफ्यूज हो जाएगा, वो विस्तृत हो जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो इधर उधर उसके कण चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ प्रकृति में उदाहरण है, जैसे आयोडीन, जैसे कपूर, इन्हें खुला छोड़ देने पर ये वायु में मिश्रित हो जाते हैं, अर्थात ये डिफ्यूज हो जाते हैं। हम एक और बात करते हैं कि इसमें एक और प्रॉपर्टीज जो हमारे साथ हो यह है कि इनमें फ्लोटिलिटी, इनमें बहने का गुण नहीं होता है, इनमें बहने की प्रॉपर्टी, इनमें बहने का गुण, बहने का मतलब जानते हो, फ्लो का गुण नहीं होता है, अर्थात यह बहते नहीं है। ये जिस तरह से द्रव, जिस तरह से पानी को हम किसी ऊंचाई वाले भाग से अगर हम छोड़ते हैं तो वह फ्लो होकर के बह करके नीचे वाले भाग तक चला जाता है, तो इनमें इस प्रकार का कोई भी गुणधर्म नहीं पाया जाता है जिससे कि ये फ्लो होकर के नीचे वाले भाग की तरफ चले जाते हैं। तो ये कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से एक और प्रॉपर्टीज हमारे पास आती है जिसको है कि इनमें स्पंजी गुण नहीं पाया जाता है, स्पंजी गुण नहीं पाया जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कहोगे सर ये हमारे पास सॉलिड है डस्टर, और डस्टर को हम इस प्रकार से हम दबा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके आकार में बदलाव होगा, लेकिन जो ही हम छोड़ते हैं वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सॉलिड स्पंजी है, हम ये कह सकते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान होने के कारण इसको दबाया जा रहा है, परंतु समस्त सॉलिड में इस प्रकार की प्रॉपर्टीज नहीं होती है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं इनमें प्रत्यास्थता नहीं पाई जाती है, इनमें इलास्टिबिलिटी, इनमें प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन आप कहोगे सर जो रबर बैंड होता है उसको तो हम खींचते हैं, गिलोल होती है उस पे लगा हुआ रबर होता है उसको हम खींचते हैं, अरे आपने खींच सकते हैं लेकिन जो ही आप उसको छोड़ोगे वह इसकी ओरिजिनल पोजीशंस में चला जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार के विशेष जो लक्षण है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि अगर हम इनको ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, इन पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा बल लगाएंगे तो निश्चित रूप से ये आकार में बदलाव ला देते हैं। हम एक बात, एक एक्टिविटी की बात करते हैं, आपने देखा होगा लोहा एक कील ले लीजिए, ये नुकीली कील ले लीजिए, कील सभी जानते हैं आप, एक आप हैमर ले लीजिए, ये हैमर हथौड़ा सभी जानते हैं,
ये इसका हैंडल है। एक आप दराती ले लीजिए, ये सभी जानते हैं आप, अर्थात इनकी प्रॉपर्टी से कि इन्हें हम अगर किसी भी बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करके इसका आकार देख लिया, अलग प्रकार का है, इसका अलग प्रकार का है, इसका अलग प्रकार का, अर्थात ठोस को हम गर्म करके इच्छित सांचे में इच्छित स्थान पर अगर हम रखते हैं तो निश्चित रूप से उसके आकार के अकॉर्डिंग ये सेट हो सकता है। तो ये किस प्रकार की, और इसी पर बहस का आपने देखा होगा, विभिन्न प्रकार की आइडल्स तैयार की जाती है, अनेक प्रकार की मूर्तियां तैयार की जाती हैं। तो जो बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार की जाती हैं वो सब भी इसी प्रकार से इन ठोस पदार्थों के द्वारा तैयार की जाती है। अब हम बात करें, आपने देखा होगा कई बार आपने फ्रीजर में आपने सोलिडिफिकेशन के तहत आपने देखा होगा आप पानी को जमाने के लिए रखते हो, जिस प्रकार का आप कंटेनर लोगे उसी प्रकार का उसी आकार का आपको सॉलिड मिलेगा। तो वही प्रकार की स्थिति यहाँ पर इन सॉलिड्स में पाई जाती है कि यह इनके फिक्स्ड वॉल्यूम वाले सांचे के अकॉर्डिंग इनके आकार में बदलाव ला देते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक बात करते हैं, लिक्विड्स। हम सॉलिड की बात लेते हैं नेक्स्ट, लिक्विड्स। देखिए ये जो लिक्विड्स है उसमें थोड़ा सा अलग प्रकार की प्रकृति पाई जाएगी। द्रव, ये इनको हम क्या बोलेंगे, द्रव। अब देखिए द्रव वाले जो भाग हैं इनमें एक विशेषता देखिए, ये कण है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, छठा, क्या कुछ अलग महसूस कर रहे हैं? निश्चित है कि यहां पर इन कणों के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है, और दूरी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, आकर्षण बल कम है, और इनमें आकर्षण कम है, यही कारण कि इन द्रव की प्रकृति इन ठोस की प्रकृति के तुलना में अलग पाई जाती है। अर्थात हम इनके गुणधर्म की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनका आकार और इनका आकार आकार और आयतन, क्या आयतन निश्चित नहीं होता है, अर्थात बदलता है, निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि यह पात्र के अनुसार बदलता है, जिस पात्र में लिया जाए उसी के अनुसार क्या हो जाता है, बदलता है। आपने कभी कभी देखा होगा आपने कुल्फी खाई होगी, कभी कभी आपने इस प्रकार की कुल्फी भी खाई होगी जिसको हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको लगा करके और इस तरह से हम देते हैं, कहते हैं इसको, आपने देखा होगा इसको हम कहते हैं मटका कुल्फी, नाम सुना आपने। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कभी कभी आपको दूध की इस प्रकार की एरो के फॉर्म में भी कुल्फी खाने को मिली होगी। ये इस प्रकार की जो कुल्फी होती है इसका शेप अलग प्रकार का होता है, तो इसका अलग प्रकार का होता है, इसका अलग प्रकार का होता है, अर्थात इन द्रव अवस्था में थे परंतु इनका आकार अलग अलग है, इनका वॉल्यूम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जिस किसी भी पात्र में रख करके इसको फ्रीजिंग किया गया उसके अनुसार इनके आकार में बदलाव हो गया है। तो पहली बात तो यह है कि इनका आकार एवं जो है शेप और साइज होता है वो फिक्स आयतन फिक्स नहीं होता है। दूसरी हम बात करें कि इनके इनमें एक और है, चूंकि कण दूर दूर है तो आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, तो इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, बहने का गुण पाया जाता है, बहने का गुणधर्म पाया जाता है, अर्थात ये आसानी से क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। इनको अगर किसी भी स्लाइडिंग स्पेस से, जैसे ये स्लाइडिंग स्पेस है, यहां से अगर छोड़ा जाए तो आसानी से हो करके बह जाते हैं, इनमें फ्लोइंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इनमें बहने का गुणधर्म पाया जाता है। एक तीसरा और आता है कि इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या, द्रव को आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि
इनमें संपीड़न का मतलब नहीं पाया जाता है, इनमें संपीड़न या कंप्रेसिव कैपेसिटी नहीं होती है, इनमें संपीड़न का गुणधर्म नहीं पाया जाता है। ये कुछ तीन प्रॉपर्टीज हमने देखी। फिर हम बात करते हैं कि क्या इनमें विसरण होता है। कुछ इस प्रकार के द्रव है जो वाष्पीय द्रव कहलाते हैं, जो वोलेटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं, तो उनमें इस प्रकार का गुणधर्म पाया जाता है। हम लिख सकते हैं कि इनमें चौथे गुण की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं चौथे गुण में कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इनमें वाष्पशील द्रव, जो वाष्पशील द्रव होते हैं, जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, उन वाष्पशील द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है। एक एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा विसरण का गुण पाया जाता है। आप देखिए यहां पर, कभी आपने देखा होगा हम बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल स्टेशन पर जाते हैं, जब वहां पर जाते हैं तो कुछ पेट्रोल की बूंद हमारे हाथ पर गिर जाती है और हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वो गायब। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि वह द्रव था, वह हमारी बॉडी की हीट को पा करके क्या हो गया, प्राइस हो गया, अर्थात वह वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो इसके वाष्प में परिवर्तित हो जाने के कारण क्या हो जाता है, इस प्रकार की स्थिति होती है कि वो विसरित हो जाते हैं। एक और प्रॉपर्टीज क्या आती है, हम द्रव के बारे में जानते हैं कि द्रव एक इस प्रकार का पदार्थ है या इस प्रकार का है कि जिसको हम अगर द्रव को हम ठंडा करें तो ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह खास प्रॉपर्टी है, यदि द्रव को हम क्या करें, ठंडा करें, तो इसे इसमें ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है, ठोस में बदला जा सकता है। अर्थात हम द्रव को, लिक्विड को फ्रीजिंग करके और सॉलिडिफाइड कर सकते हैं, ये किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी समझना है। तो इस प्रकार से ये कुछ द्रव के गुणधर्म हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है। एक और हम बात पढ़ते हैं कि इनमें एक विशेष गुण है जो हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है। द्रव में श्यानता पाई जाती है। द्रव में क्या पाई जाती है? श्यानता, विस्कोसिटी, इसे हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी पाई जाती है। विस्कोसिटी किसे कहते हैं? विस्कोसिटी होती क्या है? कभी आपने देखा होगा जब कहीं पर भी शहद अगर थोड़ा सा गिर जाए तो उस सतह पर आसानी से बह करके वो दूरी तक गति नहीं कर सकता, परंतु यदि उसी स्थान पर पानी गिर जाए तो वह आसानी से बह करके आगे चला जाता है। अर्थात लिक्विड में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज जो उनकी फ्लूइडिटी में हिंड्रेंस पैदा कर देती हैं, जो उनकी बहने के गुणधर्म में अवरोध पैदा कर देती हैं, क्या कहलाता है? विस्कोसिटी कहलाता है, या उसको हम कहते हैं श्यानता कहते हैं। तो ये द्रव में एक विशेष प्रकार का प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा हमारे पास गैसीय अवस्था। देखिए यहां पर हम बात करना चाहेंगे गैसीय अवस्था। देखिए हम तीसरे स्टेज जो हमारे पास आ रही है वो है हमारे पास गैसेस, गैसीय अवस्था। इस प्रकार की अगर रिप्रेजेंटेशन करूं तो आप समझेंगे कि यहां पर कणों के बीच आकर्षण बल का मान बहुत कम है, अर्थात कणों के बीच दूरी काफी ज्यादा है। इसका मतलब इनके गुणधर्म बहुत अलग प्रकार के हैं, इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या है, अनिश्चित। दूसरा आकर्षण बल कम है,
तो आसानी से हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। उच्च, इसमें उच्च क्या बनाया जाता है, संपीड़न, उच्च संपीड़न का गुण पाया जाता है। और इसी के कारण आपने देखा होगा हमारे घरों में काम में ले जाने वाला जो सिलेंडर है, आपने देखा कभी इस प्रकार का हमारे घरों में काम में ले जाने वाला जो सिलेंडर है, वह सिलेंडर भी कभी आपने देखा होगा उसमें लिखा हुआ रहता है 14 kg है। ये जो लिखा हुआ है इंडे या इस प्रकार का जो भी ब्रांड है, हमने देखा कि जब हम इसको हिलाते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा लिक्विड सा महसूस होता है। लिक्विड होने का मतलब हमें ये महसूस होता है कि इसके अंदर कोई द्रव भरा होगा, परंतु क्या हम इसको बाहर निकाल सकते हैं? बहुत, यहाँ पर लगा हुआ पिस्टन के द्वारा इसमें इसको कंप्रेस किया गया है, अर्थात लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगा करके और इनको द्रवीकृत किया जा सकता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इनमें इनको द्रवीकृत द्रव में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। कैसे? प्रेशर लगा करके। एक और हमारे पास आता है इनमें विस्तरण का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? विस्तरण का गुण पाया जाता है। इनमें विस्तरण की प्रॉपर्टीज पाया जाता है, अर्थात इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, विस्तृत होते हुए देख सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कोई एक व्यक्ति किसी मीटिंग्स में परफ्यूम ऐड करके आता है, परफ्यूम लगा करके आता है, तो थोड़ी सी देर में ही कुछ ही समय में हर एक व्यक्ति को उसकी खुशबू का आभास हो जाता है। उसकी आभास हो जाने का कारण क्या है? डिफ्यूजन, अर्थात गैस के कण जिनको उसने अपनी बॉडी पर स्प्रे किया था वह उनके कपड़ों के साथ स्टिक है, परंतु वह व्यक्ति जो भी मूवमेंट कर रहा है वह वहां से अपनी जगह को छोड़ रहे हैं, क्योंकि काफी दूर दूर है और दूर दूर होने के कारण जो ही वह हवा के दूसरे कणों के साथ टकराते हैं और टकराते ही वह कण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ा देते हैं, अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ते ही वह कण बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं और समस्त सभागार में उस खुशबू का एहसास हो जाता है। तो इस प्रकार से यह विस्तरण की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो यह होता है हमारे पास गैस। एक गैस अलग अलग गंध वाली होती है, कुछ गैसेस की स्पेसिफिक गंध होती है जिनके आधार पर हम उनको पहचान लेते हैं और कुछ गैसेस की कोई गंध नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये हमने तीन प्रकार की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा, तीन प्रकार के स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देखा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में सूचना मिल सके कि हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेलू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, मैटर इन सराउंडिंग्स। मैटर इन सराउंडिंग्स अर्थात हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले पदार्थ के बारे में बात करेंगे। यहां पर कल हमने मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, मैटर के अलग अलग प्रकार के पाए जाने वाले लक्षणों के बारे में स्टडी किया था, उनके अभिलाक्षणिक लक्षण क्या थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करना चाहेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अर्थात इस मैटर की या द्रव्य की या पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो हम पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। बच्चों, हम बात करना चाहेंगे मूलभूत रूप से इस पदार्थ को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है।
एक एक करके हम स्टडी करेंगे। उनमें से पहला हमारे पास आता है सॉलिड, दूसरा हमारे पास आता है लिक्विड, तीसरा हमारे पास आता है गैसेस, चौथा हमारे पास आता है प्लाज्मा एंड पांचवा हमारे पास आता है बी ई सी, जिसे हम कहते हैं बोस, बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन और कंडेंसेट, कंडेंसेट। ये हमारी पांच व्यवस्था है। इससे पूर्व वाली क्लासेस में आपने ज्यादातर इन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया है, तो मेनली एक एक करके हम इनके लक्षणों के बारे में बात करते हैं कि क्या इनके मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं ठोस। पदार्थ की ठोस अवस्था को ठोस ही क्यों कहा गया है? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि इनके जो अवयव होते हैं उन अवयवों के अरेंजमेंट के आधार पर, उन अवयवों की व्यवस्था के आधार पर इन्हें क्या कहा गया है? ठोस कहा गया है। हम इस प्रकार से एक स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करते हैं। अब देखिए, एक कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के भीतर अगर कोई कण है जो इस प्रकार से व्यवस्थित है, इन कणों की एक खासियत है कि इन कणों के बीच पाई जाने वाली दूरी क्या है? सबसे कम है। इनके बीच पाई जाने वाली दूरी कम है, अर्थात ये कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो इनके बीच दूरी कम होने के कारण इनके बीच हम कह सकते हैं आकर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या है? ज्यादा है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब वो सारे भाग क्या है? सॉलिड है। हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड या जो ठोस अवस्था में पाए जाने वाले जो पदार्थ है, उन पदार्थों के कणों के बीच पाए जाने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा है। आकर्षण बल का मान ज्यादा होने के कारण इनके लक्षण अलग प्रकार के पाए जाते हैं। हम एक एक लक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले ये कठोर होते हैं, दूसरा हम ये कह सकते हैं दृढ़ होते हैं, अर्थात आसानी से इनको तोड़ा नहीं जा सकता है, तीसरा हम कह सकते हैं कि इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, तो हम उसको दूसरे पॉइंट पे ले लेते हैं, आकार और इनका आयतन, आकार और आयतन दोनों क्या है? निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, इनका शेप एंड साइज फिक्स होता है। तीसरा हमारे पास आता है इनका रंग। अनेक प्रकार के ठोस का रंग अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार के ठोस का रंग अलग अलग प्रकार का होता है, जो इस पर डिपेंड करता है कि यह ठोस किस प्रकार के अवयव से मिलकर बना हुआ है, अर्थात अवयव की प्रकृति के आधार पर इनका रंग निर्भर करता है। एक और आता है इनमें अर्घात वर्णनीयता और तल्यता, या हम कह सकते हैं कि इनमें भंगुरता की प्रकृति, इनमें भंगुरता की प्रकृति कम पाई जाती है, भंगुरता कम होती है, अर्थात कुछ ठोस ऐसे हैं जिनको पीटने पर वह छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, उनमें भंगुरता होती है। देखा होगा इस चौक को अगर किसी हथौड़े से पीटा जाए तो पाउडर में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यदि किसी लोहे को पीटा जाए तो क्या वह भी टुकड़ों में बिखर जाएगा? नहीं। किसी अन्य धातु को ले लिया जाए तो वह भी इस तरह से बिखरती नहीं है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इनकी भंगुरता कम होती है। दूसरी बात, एक और प्रकृति की हम बात करते हैं कि इनमें विसरण का गुण, विसरण डिफ्यूजन का गुण क्या होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। आपने देखा होगा
किसी भी ठोस को अगर हम किसी निश्चित स्थान पर काफी समय के लिए रख देंगे तो ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे वो डिफ्यूज हो जाएगा, वो विस्तृत हो जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो इधर उधर उसके कण चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ प्रकृति में उदाहरण है, जैसे आयोडीन, जैसे कपूर, इन्हें खुला छोड़ देने पर ये वायु में मिश्रित हो जाते हैं, अर्थात ये डिफ्यूज हो जाते हैं। हम एक और बात कहते हैं कि इसमें एक और प्रॉपर्टीज जो हमारे साथ हो ये है कि इनमें फ्लोजिटी, इनमें बहने का गुण नहीं होता है, इनमें बहने की प्रॉपर्टी, इनमें बहने का गुण, बहने मतलब जानते हो फ्लो का गुण नहीं होता है, अर्थात यह बहते नहीं है। ये जिस तरह से द्रव, जिस तरह से पानी को हम किसी ऊंचाई वाले भाग से अगर हम छोड़ते हैं तो वह फ्लो होकर के बह करके नीचे वाले भाग तक चला जाता है, तो इनमें इस प्रकार का कोई भी गुणधर्म नहीं पाया जाता है जिससे कि ये फ्लो होकर के नीचे वाले भाग की तरफ चले जाते हैं। तो ये कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से एक और प्रॉपर्टीज हमारे पास आती है जिसको है कि इनमें स्पंजी गुण नहीं पाया जाता है, स्पंजी गुण नहीं पाया जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कहोगे सर ये हमारे पास सॉलिड है डस्टर, और डस्टर को हम इस प्रकार से हम दबा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके आकार में बदलाव होगा, लेकिन जो ही हम छोड़ते हैं वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सॉलिड स्पंजी, हम ये कह सकते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान होने के कारण इसको दबाया जा रहा है, परंतु समस्त सॉलिड में इस प्रकार की प्रॉपर्टीज नहीं होती है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं इनमें प्रत्यास्थता नहीं पाई जाती है, इनमें इलास्टिबिलिटी, इनमें प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता नहीं होती है, नहीं होती। लेकिन आप कहोगे सर जो रबर बैंड होता है उसको तो हम खींचते हैं, गिलोट होती है उस पे लगा हुआ रबर होता है उसको हम खींचते हैं। अरे आपने खींच सकते हैं, लेकिन जो ही आप उसको छोड़ोगे वह इसकी ओरिजिनल पोजीशंस में चला जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार के विशेष जो लक्षण है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि अगर हम इनको ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, इन पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा बल लगाएंगे तो निश्चित रूप से ये आकार में बदलाव ला देते हैं। हम एक बात, एक एक्टिविटी पे बात करते हैं। आपने देखा होगा लोहा, एक कील ले लीजिए आप, ये नुकीली कील ले लीजिए, कील सभी जानते हैं आप, एक आप हैमर ले लीजिए, ये हैमर हथौड़ा सभी जानते हैं, ये हैंडल है, एक आप दराती ले लीजिए, ये सभी जानते हैं आप। अर्थात इनकी एक प्रॉपर्टी से कि इन्हें हम अगर किसी भी बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करके इसका आकार दे दिया, अलग प्रकार का है, इसका अलग प्रकार का है, इसका अलग प्रकार का है, अर्थात ठोस को हम गर्म करके इच्छित सांचे में, इच्छित स्थान पर अगर हम रखते हैं तो निश्चित रूप से उसके आकार के अकॉर्डिंग ये सेट हो सकता है। तो ये इस प्रकार की, और इसी पर बहस का आपने देखा होगा, विभिन्न प्रकार की आइडल्स तैयार की जाती है, अनेक प्रकार की मूर्तियां तैयार की जाती हैं। तो जो बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार की जाती हैं वो सब भी इसी प्रकार से इन ठोस पदार्थों के द्वारा तैयार की जाती है। अब हम बात करें, आपने देखा होगा कई बार आपने फ्रीजर में आपने सोलिडिफिकेशन के तहत आपने देखा होगा आप पानी को जमाने के लिए रखते हो, जिस प्रकार का आप कंटेनर लोगे उसी प्रकार का, उसी आकार का आपको सॉलिड मिलेगा। तो वही प्रकार की स्थिति यहाँ पर इन सॉलिड्स में पाई जाती है कि यह इनके फिक्स वॉल्यूम वाले सांचे के अकॉर्डिंग इनके आकार में बदलाव ला देते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक बात करते हैं, लिक्विड्स। हम सॉलिड की बात लेते हैं नेक्स्ट, लिक्विड्स।
देखिए ये जो लिक्विड्स है उसमें थोड़ा सा अलग प्रकार की प्रकृति पाई जाएगी। द्रव, यह इनको हम क्या बोलेंगे? द्रव। अब देखिए द्रव वाले जो भाग हैं इनमें एक विशेषता देखिए, ये कण है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, छठा। क्या कुछ अलग महसूस कर रहे हैं? निश्चित है कि यहां पर इन कणों के बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है। और दूरी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? आकर्षण बल कम है और इनमें आकर्षण कम है। यही कारण कि इन द्रव की प्रकृति इन ठोस की प्रकृति की तुलना में अलग पाई जाती है। अर्थात हम इनके गुणधर्म की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनका आकार और इनका आकार, आकार और आयतन, क्या आयतन निश्चित नहीं होता है, अर्थात बदलता है, निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि यह पात्र के अनुसार बदलता है। जिस पात्र में लिया जाए उसी के अनुसार क्या हो जाता है? बदलता है। आपने कभी कभी देखा होगा, आपने कुल्फी खाई होगी, कभी कभी आपने इस प्रकार की कुल्फी भी खाई होगी जिसको हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको लगा करके और इस तरह से हम देते हैं, कहते हैं इसको, आपने देखा होगा, इसको हम कहते हैं मटका कुल्फी, नाम सुना आपने। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कभी कभी आपको दूध की इस प्रकार की एरो के फॉर्म में भी कुल्फी खाने को मिली होगी। ये इस प्रकार की जो कुल्फी होती है इसका शेप अलग प्रकार का होता है, तो इसका अलग प्रकार का होता है, इसका अलग प्रकार का होता है, अर्थात इंद्रव अवस्था में थे परंतु इनका आकार अलग अलग है, इनका वॉल्यूम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जिस किसी भी पात्र में रख करके इसको फ्रीजिंग किया गया उसके अनुसार इनके आकार में बदलाव हो गया है। तो पहली बात तो यह है कि इनका आकार एवं आकार जो है शेप और साइज होता है वो फिक्स, आयतन फिक्स नहीं होता है। दूसरी हम बात करें कि इनके इनमें एक और है, चूंकि कण दूर दूर है तो आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, तो इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं? बहने का गुण पाया जाता है, बहने का गुणधर्म पाया जाता है, अर्थात ये आसानी से क्या हो जाते हैं? फ्लो हो जाते हैं। इनको अगर किसी भी स्लाइडिंग स्पेस से, जैसे ये स्लाइडिंग स्पेस है, यहां से अगर छोड़ा जाए तो आसानी से ये होकर के बह जाते हैं। इनमें फ्लोइंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इनमें बहने का गुणधर्म पाया जाता है। एक तीसरा और आता है कि इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या? द्रव को आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें संपीड़न का गुणधर्म नहीं पाया जाता है, इनमें संपीड़न या कंप्रेसिंग कैपेसिटी नहीं होती है, इनमें संपीड़न का गुणधर्म, संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ये कुछ तीन प्रॉपर्टीज हमने देखी। फिर हम बात करते हैं कि क्या इनमें विसरण होता है? कुछ इस प्रकार के द्रव है जो वाष्पीय द्रव कहलाते हैं, जो वोलेटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं, तो उनमें इस प्रकार का गुणधर्म पाया जाता है। हम लिख सकते हैं कि इनमें चौथे गुण की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं चौथे गुण में कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं? इनमें वाष्पशील द्रव, जो वाष्पशील द्रव होते हैं, जो वोलेटाइल्स लिक्विड होते हैं, उन वाष्पशील द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है। एक एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा, विसरण का गुण पाया जाता है। आप देखिए यहां पर, कभी आपने देखा होगा हम बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल स्टेशन पर जाते हैं, जब वहां पर जाते हैं तो कुछ पेट्रोल की बूंद हमारे हाथ पर गिर जाती है और हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वो गायब। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए कि वह द्रव था वह हमारी बॉडी की हीट को पा करके क्या हो गया, वेपराइज्ड हो गया, अर्थात वह वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो इसके वाष्प में परिवर्तित हो जाने के कारण क्या हो जाता है, इस प्रकार की स्थिति होती है कि वो विसरित हो जाते हैं। एक और प्रॉपर्टीज की आती है, हम द्रव के बारे में जानते हैं कि द्रव एक इस प्रकार का पदार्थ है या इस प्रकार का है कि जिसको हम अगर द्रव को हम ठंडा करें तो ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। ये खास प्रॉपर्टी है, यदि द्रव को हम क्या करें, ठंडा करें तो इसे इसमें ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है, ठोस में बदला जा सकता है। अर्थात हम द्रव को लिक्विड को फ्रीजिंग करके और सॉलिडिफाइड कर सकते हैं, ये किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी समझता है। तो इस प्रकार से ये कुछ द्रव के गुणधर्म हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। एक और हम बात पढ़ते हैं कि इनमें एक विशेष गुण है जो हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, द्रव में श्यानता पाई जाती है। द्रव में क्या पाई जाती है, श्यानता, विस्कोसिटी, इसे हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी पाई जाती है। विस्कोसिटी किसे कहते हैं, विस्कोसिटी होती क्या है, कभी आपने देखा होगा जब कहीं पर भी शहद अगर थोड़ा सा गिर जाए तो वो सतह पर आसानी से बह करके वो दूरी तक गति नहीं कर सकता, परंतु यदि उसी स्थान पर पानी गिर जाए तो वह आसानी से बह करके आगे चला जाता है। अर्थात लिक्विड में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज जो उनकी फ्लोटिलिटी में हिंड्रेंस पैदा कर देती हैं, जो उनकी बहने के गुणधर्म में अवरोध पैदा कर देती हैं, क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है, या उसको हम कहते हैं श्यानता कहते हैं। तो ये द्रव में एक विशेष प्रकार का प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा हमारे पास गैसीय अवस्था। देखिए यहां पर हम बात करना चाहेंगे गैसीय अवस्था की। देखिए हम तीसरी स्टेज जो हमारे पास आ रही है वो है हमारे पास गैसेस, गैसीय अवस्था। इस प्रकार के अगर प्रेजेंटेशन करूं तो आप समझेंगे कि यहां पर कणों के बीच आकर्षण बल का मान बहुत कम है, अर्थात उन कणों के बीच दूरी काफी ज्यादा है। इसका मतलब इनके गुणधर्म बहुत अलग प्रकार के हैं, इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या है, अनिश्चित। दूसरा आकर्षण बल कम है तो आसानी से हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, उच्च क्या पाया जाता है, संपीड़न, उच्च संपीड़न का गुण पाया जाता है। और इसी के कारण आपने देखा होगा हमारे घरों में काम में ले जाने वाला जो सिलेंडर है, आपने देखा कभी इस प्रकार का हमारे घरों में काम में ले जाने वाला जो सिलेंडर है वह सिलेंडर भी कभी आपने देखा होगा उसमें लिखा हुआ रहता है 14 kg है, ये जो लिखा हुआ है इंडे या इस प्रकार का जो भी ब्रांड है, हमने देखा कि जब हम इसको हिलाते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा लिक्विड सा महसूस होता है। लिक्विड होने का मतलब हमें ये महसूस होता है कि इसके अंदर कोई द्रव भरा हुआ है, परंतु क्या हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, बहुत यहां पर लगा हुआ पिस्टन के द्वारा इसमें इसको कंप्रेस किया गया है, अर्थात लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगा करके और इनको द्रवीकृत किया जा सकता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इनमें इनको द्रवीकृत द्रव में बदला जा सकता है। कैसे, प्रेशर लगा करके। एक और बार पास आता है इनमें विस्तरण का गुण पाया जाता है, कौन सा गुण पाया जाता है, विस्तरण का गुण पाया जाता है।
इनमें मिश्रण की प्रॉपर्टीज पाया जाता है, अर्थात इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, विस्तृत होते हुए देख सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कोई एक व्यक्ति किसी मीटिंग्स में परफ्यूम ऐड करके आता है, परफ्यूम लगा करके आता है, तो थोड़ी सी देर में ही, कुछ ही समय में हर एक व्यक्ति को उसकी खुशबू का आभास हो जाता है। उसकी आभास हो जाने का कारण क्या है, डिफ्यूजन, अर्थात गैस के कण जिनको उसने अपनी बॉडी पर स्प्रे किया था वह उनके कपड़ों के साथ स्टिक है, परंतु वह व्यक्ति जो भी मूवमेंट कर रहा है वह वहां से अपनी जगह को छोड़ रहे हैं, क्योंकि काफी दूर दूर है, और दूर दूर होने के कारण जो ही वह हवा के दूसरे कणों के साथ टकराते हैं, और टकराते ही वह कण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ा देते हैं, अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ते ही वह कण बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं और समस्त सभागार में उस खुशबू का एहसास हो जाता है। तो इस प्रकार से यह विस्तरण की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो यह होता हमारे पास गैस। एक गैस अलग अलग गंध वाली होती है, कुछ गैसेस की स्पेसिफिक गंध होती है जिनके आधार पर हम उनको पहचान लेते हैं, और कुछ गैसेस की कोई गंध नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये हमने तीन प्रकार की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, तीन प्रकार के स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देखा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बारे में सूचना मिल सके कि हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।